डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि आप जानते होंगे, हम लोग मैथ में एक ब्रीथ के चैप्टर को पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 10.2। अब 10.2 एक्सरसाइज में अगर बात किया जाए तो हम लोगों ने दूसरे नंबर क्वेश्चन तक के किया है। आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट एंड सेकेंड को हम लोगों ने किया है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, उस क्वेश्चन को जरा समझ लेते हैं। बोल रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, यानी कि तीसरा नंबर में फिगर कैसे बनाएंगे, तो एक वृत्त बनाना है। इस वृत्त का केंद्र O है, जरा अच्छे से हम लोग फिगर बनाएंगे। अब इसके बाहर कोई एक बिंदु है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, तो एक कोई बिंदु यहाँ पे P है और O केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है। अब बोला जा रहा है किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुका है, यानी कि यहाँ से एक स्पर्श रेखा और एक स्पर्श रेखा, यानी कि हम जानते हैं ना कि वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु P है उससे दो गो स्पर्श रेखा के जा सकता है। एक का नाम है PA स्पर्श रेखा और एक का नाम है PB स्पर्श रेखा। बोल क्या रहा है कि ये स्पर्श रेखा के बीच में टोटल जो है 80 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी ये 80 डिग्री का कोण है, ठीक है, ये 80 डिग्री का कोण है। फिर क्या बोला जा रहा है, 80 डिग्री कौन है, तो पी ओ ए निकालना है। पी ओ ए का मतलब इस वाले को हम लोग मिलाएंगे, तो पी ओ ए और इसको हम लोग मिलाएंगे, तो ये तो त्रिज्या हो गया ना, ये त्रिज्या हो गया, सॉरी यहाँ ये नहीं है, ठीक है। अब इसको हमको पी ओ ए निकालना है, मतलब ये वाला एंगल जो है निकालना है। और हम लोग जानते हैं ना कि त्रिज्या जो है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो इसमें जो है आप लिखिएगा कि दिया है, क्या क्या दिया है, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि पी ए कॉमा पी बी वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। पी ए और पी बी क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। और एंगल ए पी बी, ए पी बी का मान कितना डिग्री, 80 डिग्री, ठीक है। और हम उसके बाद लिखिएगा कि हम जानते हैं क्या जानते हैं, कि वृत्त की त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये हम लोग प्रमेय पढ़े थे। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि ये वृत्त की त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी का मान कितना डिग्री, 90 डिग्री। और ये भी ओ बी भी त्रिज्या है, तो ओ बी पी का मान, ओ बी पी का मान कितना डिग्री, 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि चतुर्भुज एक बन रहा ना, ए ओ बी पी, एक चतुर्भुज बन रहा है, तो चतुर्भुज ए पी बी का चारों कोणों का योग, चतुर्भुज ए ओ बी पी में, चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो चारों कोण कौन कौन सा है, तो एगो कोण है ए ओ बी, ये पूरा कोण, तो एंगल ए ओ बी प्लस ओ बी पी, एंगल ओ बी पी प्लस बी पी ए, बी पी ए और पी ए ओ, एंगल पी ए ओ बराबर में 360 डिग्री। अब आप बताइए ए ओ बी, ए ओ बी ये तो पता नहीं है, इसको एंगल ए ओ बी को ए ओ बी छोड़ दीजिए। ओ बी पी, ओ बी पी कितना है, 90 डिग्री,
बीपीए, बीपीए बोलिए चाहे एपीबी बोलिए, ये भी सवाल में दिया है 80 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री बराबर 360। तो यहाँ से आप सबका, इससे आप कुछ निकाल लीजिए, एंगल ए ओ बी निकाल लीजिए, और ए ओ बी का ये बिल्कुल आधा होता है, यानी कि ए ओ बी जितना निकलेगा, समझ रहे हैं, ए ओ बी जितना निकलेगा उसका हाफ करेंगे। हमको कौन सी निकालना है सवाल में दिया है ये और निकालना है हम लोगों को क्या, तो निकालना है पी ओ ए, यानी कि पी ओ ए एंगल पी ओ ए बराबर वाट। तो अब यहाँ पे अंत में जब हम लोगों को ए ओ बी निकल जाएगा, मतलब कि टोटल निकल जाएगा ए ओ बी, तो उसके बाद निकाल दीजिएगा एंगल पी ओ ए बराबर एंगल ए ओ बी बटा में दो, यानी कि पूरा जो एंगल दिख रहा है ए ओ बी उसका हाफ कर देंगे तो पी ओ ए निकल जाएगा, यानी एंगल ए ओ बी का आधा कर देंगे तब हम लोगों को पी ओ ए निकल जाएगा। तो आप इसको 2 से डिवाइड करके जो आएगा आप ऑप्शन को देख लीजिएगा कि कौन सा हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री। तो आप 2 से डिवाइड करके जो आएगा वही हो जाएगा हम लोगों का पी ओ ए का वैल्यू, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि किसी वृत्त का पर दो स्पर्श रेखा खींचना है। तो मान लीजिए ये वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त का कोई ना कोई केंद्र है, तो मान लीजिए ये केंद्र है और इस केंद्र से ये व्यास गुजर रहा है। व्यास क्या होता है, तो वृत्त के केंद्र से जो पास करता है वो व्यास कहलाता है, तो ये हम लोगों का व्यास है। और व्यास से ही एक गुजरने वाला स्पर्श रेखा, इससे इस व्यास के बिंदु से स्पर्श रेखा गुजर रहा है और इस बिंदु से स्पर्श रेखा गुजर रहा है। तो हमको सिद्ध करना है कि ये दोनों जो लाइन है वो पैरेलल है, समांतर है। तो इसको मान लीजिए ओ, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, और इसको मान लीजिए एक्स, और इसको मान लीजिए वाई, अपने से नाम रख दीजिए, इसको नाम रख देना है पी और इसको नाम रख देना है क्यू, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसका व्यास ए बी है। व्यास देख रहे हैं, ए बी है। व्यास ए बी से दो स्पर्श रेखा कौन कौन सा, एक्स वाई और पी वाई, एक्स वाई और पी क्यू खींचा गया है। यहाँ तो हम लोग दो स्पर्श रेखा खींचे हैं और उसके बाद हमें क्या सिद्ध करना है, तो उसके नीचे लिखिएगा हमें क्या सिद्ध करना है भाई, कि एक्स वाई जो है पी क्यू के समांतर होगा, एक्स वाई जो है पी क्यू के समांतर होगा सबसे पहले। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, मतलब कि यहाँ भी 90, यानी कि इसलिए हम बोल सकते हैं कि OAP बराबर OAQ का मान कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, तथा OBX बराबर
OBY इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों हम भाई ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ए भी लंब हो गया, ए भी लंब हो गया, इसको भी हम लोग लंब बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट एंड सेकेंड यानी इक्वेशन वन माने और इसको इक्वेशन टू माने। तो जब इक्वेशन वन और टू यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से जब RHS इक्वल होता है, 90-90 इक्वल है यानी कि सब आपस में बराबर हैं, यानी इसलिए लिख सकते हैं कि एंगल OAP बराबर कौन सा OBX बराबर OBY। ठीक है, अब सभी कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। अतः यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि एंगल OAP और OBY दोनों 90-90 है बराबर होगा, यानी कि OAP बराबर कौन सी, तो OBY। आप देख पा रहे होंगे OAP भी 90 डिग्री है स्पर्श रेखा पर लंब, OBY भी 90 डिग्री है। तो ये वाला बराबर होगा और ये वाला के बराबर होगा, मतलब OBX OAQ OBX कौन सी से, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से। इसलिए हम लोग जानते हैं ना कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा अगर काटती है तो एकांतर अंतः कोण जो है बराबर होता है। तो जब एकांतर अंतः कोण बराबर हो जाए तो ये दोनों रेखा क्या होती है, समांतर होती है। तो यहाँ पे भी तो एकांतर अंतः कोण बराबर हो गया, तो जब एकांतर अंतः कोण से ये बराबर हो जा रहा है तो इसलिए लिख दीजिएगा कि XY जो है वो समांतर हो जाएगा PQ के। यही XY जो है PQ के समांतर हो गया। क्यों समांतर हो गया? क्योंकि एकांतर अंतः कोण जो है 90 डिग्री है यानी कि बराबर है, इसलिए हम लोगों को प्रूव्ड हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन कि हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो इस तरीके से फोर्थ नंबर क्वेश्चन इजी वे में हम लोगों का सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप देख पा रहे होंगे सिद्ध करने वाला है, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर गुजरता है। तो 5 नंबर वाला भी सिद्ध करने वाला है, तो सिद्ध वाला छोड़ दीजिए फिलहाल, हम अगले क्लास में 5 नंबर को डिस्कस करेंगे। फिलहाल 6 नंबर को देखिए, याद रखिएगा अगले क्लास में हम 5 नंबर को बताएंगे तब आगे के क्वेश्चंस बताएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, याद रखिएगा एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से कितना दूरी पे है, 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले छठा सवाल में एक वृत्त बनाइए और वृत्त का केंद्र मान लीजिए ओ है, ठीक है, और इसके कोई बाहर बिंदु एक ए है और इससे जो है वो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इसको मान लो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फिर क्या बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहाँ बोल दिया वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो मान लो कि ये वाला स्पर्श रेखा हो गया, वृत्त पर स्पर्श रेखा हो गया और इसका लंबाई कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तब क्या बोला जा रहा है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, यानी कि यहां से लेकर यहां तक त्रिज्या निकालना है, यानी कि आर का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं ना कि वृत्त की त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा पर क्या है, लंब है। तो यहां हम मान लेते हैं इसको पी, यानी कि त्रिभुज कौन सा में, ओ पी ए में, आप चलिएगा त्रिभुज ओ पी ए में। तो ओ पी ए में चलिएगा तो आपको क्या पता चलेगा कि ओ पी ए में सबसे बड़ी भुजा कौन सा है, तो ये ना सबसे बड़ी भुजा है, क्योंकि यहाँ तो लंब हो जाएगा ये और ये आधार हो जाएगा और तिरछी लाइन को हम लोग कर्ण कहेंगे। तो एच का वैल्यू हो गया 5, नहीं
और पी का मतलब कितना, पी का मतलब त्रिज्या, और बेस यानी कि आधार हो गया 4 सेंटीमीटर। तो अब पी का मान निकालना है, तो पी का फार्मूला होता ना है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूला से जो है आप पी का मान निकाल लीजिए। तो कुछ इस तरीके से हम लोग पी का वैल्यू निकालेंगे, और जो पी का वैल्यू निकलेगा वो वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 तक के डिस्कस किए हैं, हालांकि इसके पहले 5 नंबर क्वेश्चन को छोड़े हुए हैं, उसको अगले दिन करेंगे क्योंकि सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।